हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है जी सेकेंड डे और अभी हम लोग रेडी होके निकलने वाले हैं। दोपहर को एक खाला के घर लंच पे जाना, उसके बाद रात को हम लोग अपने विलेज जाएंगे, तो वहाँ का आपको टूर करवाती, बड़ा मज़ेदार सा। बट रात में जाएंगे तो इतना कुछ देखने का मौका नहीं मिलेगा। बट अच्छा जी, सबसे पहले लंच था हमारा बड़ी खाला के घर, वहाँ हमने बहुत मज़ेदार सा देसी लंच किया सब ने, हम सब इनवाइटेड थे। एंड उसके बाद हम लोग विलेज के लिए निकले और वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात हो गई थी और ठंड इतनी ज़्यादा थी। अभी हम सब यहाँ पे आग के सामने बैठे हुए थे। हेलो, हेलो फ्रॉम आवर विलेज, हाय। एवरीबॉडी नोज मी, दिस इज मेहरान, दिस इज सिद्रा, मुझे तो आप जानते ही होंगे। अनफॉर्चुनेटली किंजा, किंजा माय कजन, असल में मेरी कौन हो ये? कजन की बेटी, कजन की बेटी। मैं इसकी कौन हूँ? खाला, खाला। बाकी सबको आप जानते होंगे, ये जाहिद भाई है मेरे कजन। कजन आप मेरे कजन में क्या हुए? कजन हो नहीं, मेरे मामू हैं आप। हाँ। और के मामू की माई सिस्टर्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ। हमें यहाँ पे मॉर्निंग में आना चाहिए था, आपको दिखाना चाहिए था चारों। वैसे मैंने अपने किसी ब्लॉग में दिखाया था थोड़ा सा विलेज, बट ये वाला नाइट वाला व्यू नहीं दिखाया था, थोड़ा सा चेंज हो गया। ये जो बीच में सैलाब आया था उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो गया। एक्चुअली हम लोगों ने आना 4 बजे था और जब मैंने अब्बू को कॉल की तो ही वाज लाइक, सिद्रा लोग ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे एक और शादी आज, वैसे लेट हो गए इसी की वजह से। हम लोग बचपन में यहाँ पे बैठा करते थे सब लोग, वो सारी मेमोरीज हम रिकॉल कर रहे हैं इस तरह आग पे बैठ के, और स्नैक्स लेते थे, बहुत मजा आता था। वो वाले दिन किसको याद आ रहे हैं? इसमें मेरी कजन मिसिंग है, अगर हमारी कजन ब्लॉग उसी नहीं बना देना था। राशिदा बाजी जिनको मेरे ब्लॉग में भी आने का बहुत शौक था, और इंशाल्लाह उनको कभी मैं ब्लॉग में लूंगी अगर वो कभी हुई, उन्हें बहुत शौक था। तो वो होती ना तो मेरे ब्लॉग में 4 चांद लग जा रहे थे। उसके बाद जी हमने बहुत मज़ेदार सी गरम गरम मूंगफली और ये गर्मा गर्म चाय इंजॉय की आग के सामने बैठ के, इट वाज अमेजिंग। हम लोग यहाँ खाला के घर बैठे हैं, खाला ने अपना शादी का मेन्यू लिया, शादी का एल्बम निकाल लिया। माय गॉड, इतनी एम्बैरेसिंग पिक्चर्स है मेरी, दिखाती। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 12 साल हुए, 2010 में हुई थी। 12 साल पहले कैसी दिखती थी, खतरनाक दिखाते हूँ अभी आपको। तनो ऐसी दिखती थी मैं 12 साल पहले, दिखा। खाला भी मुझसे बड़ी मायूस लग रही है। ये मेरे ससुर थे, मेहरान बहुत मजे ले रहे हैं। मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं, पुरानी पिक्चर्स देख के शेर। ये कोई ना देखे, ये रे मैं ये नानी हम, नानी हम। हेलो, वी आर बैक। खतरनाक लग रहे हैं सब इस टाइम, हम अभी डाकू बन के जा रहे हैं सब। एक खाला से दूसरी खाला के घर जा रहे हैं और रात के 2 बज रहे हैं और हम खाना लेने के लिए थे, और यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। कितने बजे बंद होता है आंटी यहाँ पे? तक 10 बजे के करीब भूख आलम होता है। 10 बजे रात के? हाँ। कोई भी नहीं है, अभी दिखाते हूँ आपको, सब कुछ अंधेरा है, कोई बंदा ना बंदे की जात है, और हम जाए जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है ये कोई एक हॉरर रोड है और एक हॉरर मूवी चल रही है। लग रही है।
ये अच्छा इतनी सारी दाइने जा रही है। आवाजें देखें जान निकल गई सबकी। मुझे लगा कोई ज़ॉम्बी आ गया, मुझे लिटरली ऐसा लगा कोई सामने से ज़ॉम्बी आ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो उधर? खाना खा रहे हैं। हम लोग खाला के घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें ये मिला है। यहाँ पे बहुत मजा सा आ रहा है। मैंने खा लिया और अभी हम लोग ये खा रहे हैं। ये बेड पे खाना खा रहे हो? हम लोग अभी ये बना के खा रहे हैं। ओ वाओ, ये तो मैं लेके जाने वाली हूँ। कहीं मिल ही ना जाए यार, तुम लोग पेप्सी लेते हो? मुझे दिखाएं कहाँ से सब कुछ बंद है यहाँ पे। तो हमारी आधी फैमिली जो है वो एक खाला के घर रह रही है, आधी फैमिली हम दूसरी खाला के घर है। तो यहाँ पे हम खाना लेने के लिए आए और यहाँ पे ये लोग सब खाना खत्म कर चुके हैं। और इतनी बेवकूफी की, अगर ये लोग पहले ही यहाँ पर आ जाते आराम से खा पी के फिर चले जाते। ये दूल्हा मियां यहाँ बैठे हुए, ये इसकी शादी में आए हम और इसे हमसे खाने तक का नहीं पूछा, खुद ही अकेले अकेले खा रहा है। चलो यार बाहर चलते हैं, मेहरान बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। तो खाना हमने ले लिया और अब हम दोबारा घर की तरफ जा रहे हैं। सॉन्ग भी आया, कैसा मजा आया था। इतनी फनी है यार, ये चुप रहती है तो बिल्कुल चुप रहती है और जब बात करनी पड़ती है इतना हंसाती है, इतना हंसाती है पेट में दर्द हो जाता है लिटरली। ये 2010 की है, 2010 की दूसरी पिक्चर का है। दिस आई लव दिस पिक्चर। ये एनी है और साथ में मैं हूँ। कुछ कमेंट्री नहीं करोगे मेरी पुरानी पिक्चर्स पे? यंग प्रिंसेस कैसी लग रही हो? मैं प्रिंसेस लग रही हूँ, अब तो क्वीन बन गई हूँ। अच्छा मैं माय गॉड, इन दिस पिक्चर वेयर इज योर मामा? ये चौथे ये गाइस देखें, ये तहरीम ने रोटी बनाई है। इसमें दो आंखें, ये है वो लड़की जिसने ये रोटी बनाई है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है शेप देके आप रोटी का, लेकिन ये जल गई। लेकिन इसकी दो आंखें बन गई है, इसमें जान आ गई है और नाक भी बना हुआ है, दो नाक छोटा सा लेके। ये कैसी रोटी बनाई है तहरीम? ओके आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, बहुत मज़ा आया। आंटी ने इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि मैं क्या बताऊँ। बहुत मज़ा आया आपके घर में। अभी आंटी जा रही हैं जॉब पे और हम जा रहे हैं हैदराबाद वापस। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धा, आप लोगों का, आपकी फैमिली का, मेरी बाजी की फैमिली का, मुझे मेहमान नवाजी का मौका दिया जो बहुत खुशी हो रही है। सबको खुश रखे, सैड फीलिंग से ये लोग जा रहे हैं तो रो के रहे हैं। हाँ हम फिर से आएंगे, फिर से आ जाएंगे आपका सर खाने के लिए, फिर से आ जाएंगे। अम्मी आपकी बहन रो रही है। अल्लाह खुश रखे, बस मैं दो ही हैं, अल्लाह पाक खुश रखे बेटा। रेडी टू लीव पंजाब? हम वापस जा रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको? कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या रहेगा। ये वो ग्रेवयार्ड है जहाँ मेरी फैमिली के सब डिसीज लोगों की कब्रें हैं यहाँ पे। तो यहाँ अभी अब्बू और भाई सब फातिहा पढ़ने के लिए रुके हैं। और अब कभी कभी हमारा यहाँ आना होता है तो यहाँ से कुछ स्पेशलिटी यहाँ की लेके जाना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ से हमने सोन हलवा लिया और यहाँ की स्पेशल मिठाई ली घर वालों के लिए। गाइस यहाँ पे हमारा एक अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसी की बहस चल रही है बाहर।
क्या गाड़ी लगी है भाई? कार जिससे हमारी कार हिट हुई है एक्चुअली, और अभी हम इन्हें पकड़ रहे हैं। इन्हें हम यहाँ चेस करते करते आए हैं और पहुँच गए हैं इनको रंगी हाथों पकड़ने के लिए। यहाँ देखते हैं क्या फैसला होता है। अच्छा गाइस, तो मसला सॉल्व हो चुका है और गाड़ी जा चुकी है। दी बस ये बता दो, लंबी नहीं करो, गलती उसकी थी, उसकी थी गलती, सीखी थी। तो इसी चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है। इसी नहीं चलेगा। ओह शिट, इस रास्ते में हमें चाहिए था ऐसी। हाँ यार, चले मैं आपको शक्कर ही दिखा दूँ। ये शक्कर है? हाँ, एसी नहीं चलेगा। ओह माय गॉड। सो गाइस, गैस लीक हो गई है एसी की, तो अब एसी नहीं चलेगा। मुझे तो इसी बात का दुख खाया जा रहा है। बट यह है कि मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था, तो थोड़े अपने गम को हल्का करने के लिए हम ये खा लेते हैं। ये कहाँ रुके अबू, हम कहाँ रुके? ये कौन सी जगह है? ये अचार लेने के लिए, अचार लेने के लिए यहाँ पे रहते हैं। क्या है ये? चिकन, चिकन ये डैड के लिए ले रहे हैं, फादर इन लॉ के लिए। आई लाइक दिस, ये वाली मुझे खजूर बहुत पसंद होती है। अखरोट का हलवा, अखरोट का हलवा है ये। अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, खजूर है, एक ही दूध है। व्हाट इज दिस? डेट? नो 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 नो, इट्स नॉट वॉश्ड। यू कैन टेक ओनली वन बाबा। बस ये इसकी क्या प्राइस है? 150। मिक्स अचार है, इसमें क्या क्या है? गाजर, नींबू, मिर्ची, आम, लहसुन, अच्छा चलो एक ये भी दे दे। एक चटनी। अचार की शॉप है यहाँ पे, हम अचार और कुछ डेट्स बाय करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे लाइन से बहुत सारी शॉप्स हैं, आगे जाके दिखाती हूँ। और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। व्हाट विल दान ले, गुड बॉय, गुड माय बेबी। और ये क्या है? ये भी शॉपिंग चल रही है यहाँ अम्मी की। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सा है, इस पर आप रोटियाँ डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। प्राइजेस पूछ के बताती हूँ। आपको डिफरेंट डिज़ाइंस मिलेंगे यहाँ पे। सो वी आर बैक होम, और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पंजाब से लाई थी घर वालों के लिए। अभी चल के मॉम को देते हैं। ये मिठाई आपके लिए। थैंक यू। यू लाइक स्वीट? नो, स्वीट वेल डन। सोन हलवा यू लाइक? यू वॉन्ट टू ईट?
ओपन ओपन एंड शो दिस टू जानू. अच्छा और ये मिक्स अचार है. ये इसमें हम सांप रखेंगे, इसको डालेंगे आस्तीन का सांप. आस्तीन का सांप और बहुत मजे का मेरा, बहुत मजे का. इसमें हम रोटियां डालेंगे. कसम है सही बताए साले ने, पर रोटियां डालेंगे साले ने. ये ज्यादा हो गया. हां मेरा ये ज्यादा हो गया. कितना खाता है मीठा, इसको बिल्कुल नहीं पसंद. सर बहुत अच्छा है. ओके सो वी आर बैक होम और हम अपने टर्टल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, स्पेशली विल्दान. डिड यू मिस योर टर्टल? यस आई वांट टू फीड हिम. ओके गो फीड हिम. ओके गाइस सो आई वाज सो टायर्ड, मैं आउट्रो करना बिल्कुल ही भूल गई. और इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में. आई होप यू गाइस एंजॉयड माय पंजाब जर्नी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. टेक केयर. बाय बाय. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अल्लाह हाफिज़.